कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत। कबीर जी कथन कर दे भाई यह जा बीज बीजना कर जो बारह महीने फलदा रहे। शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। जिदी शीतल ठंडी छां होवे ते बड़े बड़े सोहने फल जिन्हां फलां नूं देख के पंछी खुशियां करन। सो इस प्रकार अंतरी भाव च कहिंदे ने भाई ऐसा नाम रूप बीजना कर बीज जो बारह महीने फलदा रहे, जो दस इंद्रियां ते मन ते बुद्धि नूं सुख दिंदा रहे, जिस नाम रूप बीज करके अंतकरण नूं शीतल करन वाली शांति रूप छां ते गहर गंभीर परमात्मा का ज्ञान रूपी फल लगे। शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। सो जिहदे उत्ते गहर हुंदा परमात्मा की प्राप्ति रूप फल लगे ते जिहनूं देख के होर भी श्रेष्ठ जिग्यासु रूप पंछी केल करंत खुशियां मन आनंद माण सकन। कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत। सो इस प्रकार पावन बचन फरमाउंदे हन कबीर जी के उत्तम उपदेश दे देण वाले दाते जो सतगुरु हन इह तां इक ब्रिक्ष हन। उन्हां सतगुरां विच जीवां नूं बख्शन वाली जिहड़ी दया इही सतगुरु रूप ब्रिक्ष नूं फल लग्गिया होइआ। इसे करके सतगुरु हर एक जीवंत जीवां उपर परोपकार करदे हन। ऐसे परोपकारी गुरु हमेशा ही जीवंत जिउंदे हन। पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। सो गुरां दी कृपा नाल जिग्यासु रूप पंछी दिसावरी हुंदा श्रेष्ठ परमात्मा वाले पासे चले ने। इस प्रकार आशीर्वादां दिंदे हन कि हे गुरु साहब रूप ब्रिक्षो सच्चे पातशाह श्रेष्ठ फलां नाल फलदे फुलदे रहो, भाव जिवें दया करके सानू संसार तों तारना कीता है एवें होरनां जिग्यासां नूं उतारदे रहो। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए ललाट। सो ये जिहड़ा पहला श्लोक कथन कीता है सतगुरां दी महिमा सुन के जग्यासु ने बेनती की कि गुरां दी प्राप्ति महाराज जी किवें हुंदी है। कबीर जी कहण लगे सतसंगत द्वारा हुंदी है। जग्यासु ने फिर बेनती की कि सतसंगत दी प्राप्ति किवें हुंदी है। कबीर जी कहण लगे कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट। भाई जे ललाट हुंदा मस्तक उत्ते शुभ कर्मां दा लेख लिखिया होवे तां सतसंगत दी प्राप्ति हुंदी है। मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अवघट घाट। 1370 अंग दे फरमाउंदे आ कि सतसंगत विचों ही मुक्त मोक्ष रूप पदार्थ की प्राप्ति हुंदी है। जिस मुक्ति करके इस लोक विच काम आदकां रूपी अवघट घाट कठिन रस्तियां विच ठाक ना रोका नहीं हुंदा अते परलोक रस्ते विच वैतरणी नदी अस्पत्र बन इत्यादिक ये जड़े ना अस्पत्र बन आदिक रूपी यह अवघट घाट कठिन रस्तियां विच ठाक ना रोका नहीं हुंदा। जिस मुक्ति पदार्थ दे पाउण करके अवघट कठिन जड़े घाट सूप की प्राप्ति विच ठाक ना रोका नहीं हुंदा। कबीर एक घड़ी आधी घरी आधी हूं ते आध। कबीर जी कथन करते हैं बचन एक घड़ी या अद्धी घड़ी चाहे अद्धी तो भी अद्धी भाव चौथाई घड़ी सत्संगत जरूर करया करो। एक घड़ी 24 मिनट आधी घड़ी 12 मिनट उस तो अद्धी 6 मिनट आधी हूं तो आध या फिर 3 मिनट भाई संगत तो माड़ी जी कितने कर लो संगत नाल बहुत फायदा होंदा लाभ बड़ा होंदा। भगतन सेती गोस्ते जो कीने सो लाभ। सतसंगत विच आके वाहिगुरु दे प्यारे भगतां नाल जो परमेश्वर संबंधी बचन बिलास करने ने वह बचन लाभदायक ने। लोग तो घरों दूजे नूं हराउण तुरदे ने चल चर्चा करके हरा के आईए ये तो हार जित च पै गए बेचारे बिंदियां टिप्पियां च पै गए उहदा पाठ ठीक नहीं उहदा ऐ नहीं क्योंकि जिन्नी कोले मत हुंदी आ उन्नी की वरतनी है। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कबीर भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खां है। कबीर जी कथन करते हैं भाव गुरु ग्रंथ साहब कथन करते हैं जो जो जेड़े जेड़े प्राणी
प्राणाधारी पुरश भांग भंग सुरा शराब न पान पीते हैं मछली खाहे मच्छी के मास आदि खाते ने। जो जो प्राणधारी पुरश मच्छी दे भांग मास न खाते ने कुकड़ दे मास न भांग भी कहते हैं। इसलिए जो पुरश कुकड़ ते मच्छी आदि मास न खाते शराब पीते है सुरा पान शराब न कहते पान पाना सुपारियां आदि खाते ने। ये जड़े मरहटीए ने महाराष्ट्र निवासी लोग तंबाकू के सुके पत्ते भी भांग कहते हैं। जो हाथ की तली से तंबाकू के सुके पत्ते मल के मूँह च पाते हैं जरदा खाते हैं। जिमें सन्यासी लोग तंबाकू के सुके पत्ते हाथ की तली से मल के मूँह च पा के खाते रहते हैं। इत्यादिक तमाम नशे वाली चीज़ों जो खाण पीण वाले मनुख हैं उन्होंने तीर्थ वर्त नेम किए ते सब है रसातल जाहे तीर्थां ते इशनान किए हुए एकादशी जन्माष्टमी वर्त रखे नेम किए हुए सारे ही एवें निष्फल चले जाने रसातल भाव निष्फल। जिस तरह कलर वाली जमीन विच बीज पाया हुआ रसातल निष्फल चलिया जाता है इसे तरह उन्होंने किए हुए साधन सारे निष्फल चले जाते हैं। परमात्मा के भजन सिमन विच भांग विघन पाउण वाली जो मछली छल रूप माया है जिन्हें सुरापान देवत्या ते दैंता नूं पान पाव दबाउणा कीता है उस माया की इच्छा नूं जिहड़े प्राणी खाहें धारदे हन उन्हां पुरशां दे तीर्थ वर्त ने मादक कीते हुए साधन सब है सारे दे सारे रसातल निष्फल चले जांदे ने। माछली तो भाव छल रूप जो माया है सुरापान भांग जो देवत्या दे हत्थों भी भज गई है जो जो प्राणी खाहें जिहड़े जिहड़े पुरश कुसंग च बैठ के उस माया रचित पदार्थां नूं खांदे हन उन्हां पुरशां दे तीर्थ वर्त हठ योग यम निजम आदिक साधन किए हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। सो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह ने कबीर जी दे राही ये उपदेश किया है। बहुत सारे ये अंतरी भाव तो निकले आते पर मुख्य रूप दे विच इह जिहड़ा सीधा जिहा दस्या बचन भई आह जिहड़े कर्म ने माड़े आ ये करने नहीं है क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ी नुकसान दिंदियां शरीर नूं भंग दह तन एक दसवें पातशाह ने भी यह बचन किए ने। शरीर में भंग जी है ना खुश्क कर दी नाश कर दी हौली हौली बंदा किसी काम का नहीं रहा। इस प्रकार बहुत सारिया चीज़ा जड़िया ने विवरजित ने पर हूँ जिहदा मन बहुत हावी अपने ते अपने आप से वह हट नहीं सकता वह कहने में गल्लां लिखिया हुई जी पर जिन्हें बंदगी करनी है सत बचन कह के इन चीज़ों का त्याग करके बंदगी करता। नीचे लोयन कर रहो ले साजन कट माहे किसी महात्मा ने आके कबीर जी ने कहा है कबीर जी साजन पाप परमात्मा नु अपने घटमय हिरदे च लैके अपने लोयन अखां नु नीवियां करके रहना करो भाव उच्चियां अखां करके किसी वल ना तको सब रस खेल लाओ पी असाओ किसी लिखावाओ नाहे सारे रसा का मालक जो पी पति परमात्मा है उस सौ उहदे नाल खेलना कर उस नाल खेडण दा जो आनंद आ उह किसे नूं जनाउणा ना कर। कबीर जी कहण लगे उहनूं आठ जाम चौसठ घरी तो निरखत रहै जीओ ए संत जी अठे पहर ते चौंठ घड़ियां भाव सारी रात सारा दिन मेरा जी तो उस परमात्मा नूं निरखत भाव वेखदा रहिंदा इसलिए मैं नीचे लोयन क्यों करां सब कट देखां पीओ अपने नेत्रां नूं नीवां क्यों करां जबकि मैं सारे घाटा में उस एक पीओ पति परमात्मा व्यापक देखदा। सो इस प्रकार तत्ते अंकड़ ऐड़ा तो पाठ आ गया ने इत्थे तो सो इस प्रकार तो प्रसाद करके भी आप पाठ कर दे अद्धा जदों वाहवा लगता पैर तत्ते दे तो प्रसाद संथ्या कराने में थोड़ा जिहा वधा के दस देईदा तो प्रसाद तत्ते अंकड़ ऐड़े नूं दलाईआं तो प्रसाद। सो इस प्रकार तो प्रसाद वो है तत्ते नूं औंकड़ ते ऐड़ा ही है तो प्रसाद। सुन सखी पीओ मह जियो बसै जियो मह बसै के पीओ ए सखी पाव कबीर तू सुनना कर तू मैनू ये गल दस के पी पति परमात्मा विच जीव वसदा है कि जां जीव विच पीओ पति परमात्मा वसदा ए गल सुन के कबीर जी कहन लगे संत जी जियो पीओ बूझो नहीं घट मह जियो के पीओ मैं जीव पीए नूं बुझदी नहीं हाँ कि घट विच जीव केड़ा मैं तो सारे एक ब्रह्म नूं व्यापक निश्चय कर दी हाँ। हे सखी कबीर तू सुनना कर पीए विच जीव वस रहा
जाके जी विच पी वस रहा। यह गल सुन के कबीर जी ने कहा मैं जी पी बुझदी नहीं हाँ कि घट विच जी केड़ा ते पी केड़ा, क्योंकि जे पति परमात्मा विच जी वसदा कहीए तो वह पाशक की हानि हुंदी है, अते जीव विच पति परमात्मा नूं वसिया निश्चय करिए तो वह पाशिया की हानि हुंदी है। इस करके मैं जी ते पी दे झगड़े विच नहीं पैंदी, इसलिए आप जी नूं चाहीदा कि वह पाशक बन के उस प्रभु की उपासना का आनंद लैणा करो, जां वाच वाच भाग नूं त्याग के लक्ष्य भाग की एकता नूं करो। जे पति परमात्मा विच जी वसदा कहीए तो अधेय का भाव हुंदा, ते जेकर जीव दे विच पति परमात्मा वसदा कहीए तो आधार की हानि हुंदी है। इसलिए मैं किसी नूं भिन्न भिन्न वक्रा वक्रा समझे नहीं कि जी केड़ा ते पी केड़ा, मैं तो एक प्रभु नूं सारे व्यापक निश्चय किया है। कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का भगतन का गुरनाहे। कबीर जी कथन करते हैं तिना वर्णा तो उच्ची जाति होने करके भावें ब्राह्मण ब्राह्मण सारे जगत का गुरु है, ते भावें दसम ग्रंथ विच कृष्ण अवतार विच 293 अंग ते महाराज लिखिया कृष्ण जी दे मुखारबिंद तो उचारिया होया विप गुरु सब ही जग के समझाए कही एह कान कहानी। पर परमेश्वर दे सिमन करन वाले भगतां दा गुरु ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि अर्ज उर्झ कै पच मूआ चारों वेदा माहे। चौहां वेदां दे पढ़न पढ़ाउण विच चौहां वेदां दे कर्म कांड विच अर्ज उर्झ झज्जे लगे हुए ने। अर्ज उर्झ फस के भाव पच पची जाने दुखी होकर मरे, ईरखा की अग विच पच मुआ सड़ मोया। हर है खांड रेत मह बिखरी हाथी चुनी ना जाए। दृष्टांत इस तरह दिंदे जिवें प्रतख रेत विच खंड रुड़जे। खंड हुंदी सी पहला बरीक देसी खंड, आ मोटी डलियां वाली तां हुणे बणी है, तां उह खंड हाथी पासों चुनी नहीं जांदी, हाथी हत्थां नाल चुनी नहीं जांदी। कह कबीर गुर भली बुझाई कीती होए कह खाए। कबीर जी कथन करदे कि गुरां ने भली गल समझाई कि कीड़ी होकर वह खंड नूं खा जांदी है, कीड़ी होवे तां खा लैंदी है। इसे प्रकार संसार रूप रेते विच हरी रूप खंड बिखरी खिलरी है मिली हुई है, वह हरी रूपी खंड हाथी भाव हंकारी बंदियां तों चुनी नहीं जांदी, काम कर्मा रूप हत्थां नाल चुनी नहीं जांदी। कबीर जी कथन करदे हन कि सब तो चंगी गल गुरां ने समझाई है कि भाई निम्रता च आ जाओ, कीड़ियां बन जाओ कीड़ियां, ते कीड़ी वांगू निम्रता वांग हो के उस हरी रूप खंड नूं खाणा करो। तो ब्रह्म ज्ञानियां च निम्रता हुंदी। महापुरख बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले संतां नूं कोल बैठे मैं कहा बेनती की महाराज थोड़े बहुत ताकत है, महापुरखां ही बड़ी शक्ति हुंदी ब्रह्म ज्ञानियां च। कहिंदे भाई मेरे च तां कीड़ी जिन्नी भी ताकत है नहीं, भाव उन्हां दी निम्रता है। मैं कहा जी कीड़ी जिन्नी तां नहीं है, सारे ब्रह्मंड जिन्नी तां हैगी। कहिंदे फिर हसण लग पए। तो इस करके वह कदे भी नहीं कहणगे मेरे च ताकत है, यह असूल ही है, बस जिन्ना कोले आ उन्हां दसी दा नहीं हुंदा। लोकां कोल तां है ही कुछ भी नहीं, वह फिर भी रौला पाउंदे फिरदे मेरे कोल आ मेरे कोल उह है, करना कुछ नहीं, गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां मारदे आ। कबीर जाओ तोहे साध भिरम की सीस काट कर गोए। कबीर जी कथन करदे आ भाई जे तैनू भिरम प्रेम दी साध सदर है, भिरम पीरी परमात्मा की प्राप्ति की सदर है, इच्छा है, तो अपना प्रतख सिर या हंकार रूपी सिर कट के गोए कर, खिदो या गेंद बनाउणा कर। जिस तरह खिदो नूं भावें कोई किधरे चुके सुट देवे वह अग्गों कुछ नहीं कहती, जिवें गेंद कहने आपां। जीव नूं चाहीदा कि इस तरह निरहंकार होवे, भाव निम्रता गुण नूं धारण करे। खेलत खेलत हाल कर जो किछ होए ता होए। खेलदिया खेलदिया भाव निरहंकार हुंदिया हुंदिया हाल कर अपनी मस्ती वाली दशा बना लवे, अते प्रारब्ध कर्मां अनुसार जो कुछ होना उहनूं होण देवे। कबीर जाओ तोहे साध भिरम की पाके सेती खेल। कबीर जी कथन करदे भाई जे तैनूं प्रभु दे प्रेम दी इच्छा है, प्रीति दी प्राप्ति दी सदर है, तां साधना विच पाके जो महात्मा ब्रह्म निष्ठी ब्रह्म स्रोत्री महात्मा ब्रह्म ज्ञानी ने पूर्ण गुरमुख प्यारे, उन्हां नाल मिल के परमेश्वर की प्राप्त दे साधना विच खेलना कर। काची सरसों पेल कै ना खाल पई ना तेल। कच्ची सरों दे पेल कै पीड़न करके ना तां खाल चंगी बनदी है ते ना ही उत्ते उहदे चों तेल निकलदा। दा दृष्टांत की है, कहिंदे सकाम करना दे करन वाले जो कच्चे बंदे आ उन्हां नाल दोस्ती पाउण करके ना खाल
ना तो संसारक सुख की प्राप्ति होंगी है ना तेल ना ही परमार्थ सुख की प्राप्ति होंगी है। सो पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराजा भेदता रूप नाल मिलते प्रसंग अनुसार कबीर जी के श्लोकों च एक श्लोक भगत नामदेव जी का उस तो अगला श्लोक भगत रविदास जी का कथन करते हैं। ढूंढत डोला अंध गत आद चीनत नाही संत। ये जीव अंध गत अन्या की तरह पत्थर आदकों दिन मूर्तियों में भगवान को ढूंढत डोला लभदे फिरते हैं, पर साधना में पूर्ण जो ब्रह्म निष्ठी ब्रह्म स्रोत्री हैं उन्होंने चीनत जानते नहीं, पूर्ण महात्मा में श्रद्धा प्रेम नहीं रखते। कह नामा क्यों पाई है बिन भगत हो भगवंत। नामदेव जी कथन करते बिन भगत हो भगतों की सत्संगत किए तो बिना क्यों पाई है भगवंत, परमात्मा किस तरह पाईदा। भाव पूर्ण नाम रसीए भगतों की संगत किए बिना परमेश्वर नहीं लभदा है। हरसो हीरा छाड़ कै कर आन की आस। सो जो वेद प्रतिपाद्य रूप हरि रूप हीरे नु छड़ के जो पुरश होर देवी देवत्या या भूतों प्रेतों की आसा करते मायाधारिया की आसा करते हैं ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख है रविदास। सो रविदास जी कथन करते मैं सत पाख है सच्ची गल आखदा के वह पुरश जरूर ही दोजक जाहेंगे नरकों च जाणगे। कबीर जाओ गृह करह ता धर्म कर ना ही ता कर बैराग। कबीर जी कथन कर दे भाई जे तू गृह गृहस्थ आश्रम करना चाहना ता तिथि आदिक अभ्यागतों की सेवा कर जो गृहस्थ का परम धर्म है उस धर्म नभा कर। जे गृहस्थ धर्म की करना चाहना तो धर्म की किरत कमाई करके खाना कर। सो धर्म अर्थ गरीबां दान पुन कराया कर। ना ही नहीं जेकर तू अतिथि आदकों की सेवा नहीं कर सकता या दसा नौहां की किरत कमाई करके नहीं खा सकता या हक हलाल की कमाई करके गरीबां की सहायता नहीं कर सकता ता कर बैराग। तो फिर बैराग धारण करके एकांत जगह ते बैठ के परमेश्वर का सिमन कर बंदगी करया कर। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। जेड़ा मनुख बैरागी होके फकीरी बाणी नूं धार के फिर गृहस्थियां वांगू बंधना च वसना फसना करदा ताको उन बड़िया खोटिया भागों वाला समझना करो। गुरमत विच सतगुरु नानक देव जी ने जो गृहस्थ धर्म के असूल कथन किए उन्होंने अनुसार चलना करो ता ही गृहस्थ धर्म धारना धारण किया सफल है। सो गिरही जो निग्रह करे जप तप संजम भीख्या करे पुन दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर। जिस वेले सतगुरु नाम नानक देशां दे संतरा रटन करते हुए भद्रखंड च पुजे सी तो उत्थों का राजा कौलनाभ वजीरां ते सतगुरां दे चरणा विच पुज के भेटा रख के मत्था टेक के कोल बैठ गया। सो ये कौलना वजीरां दे समेत सतगुरां दे चरणा च पहुँच के मत्था टेक के बैठा। फिर महाराज ने उन्हूं कहा सी ये सारे बचन किए सी उहदे नाल इह गुरु नानक प्रकाश दे सारा कुछ आपां श्रवण किया कि कौलनाभ राजा बहुत चंगा राजा होया। काफ़ी देर महाराज सच्चे पातशाह उत्थे रहे भी सन। सो इस तरह इत्थे भगत कबीर दे श्लोकां दी समाप्ति कीती है।